नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 12वीं किस्त का पैसा सरकार जल्द ही जारी करने वाली है। लेकिन इससे पहले आप सभी को 3 नए नियमों का पालन करना होगा, तभी आप 12वीं किस्त का पैसा ले सकते हैं। पहले नियम की बात करें तो आप सबसे पहले अपना EKYC प्रक्रिया पूर्ण करें, और दूसरे नियम की बात करें तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, और तीसरे नियम की बात करें तो आधार कार्ड मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। ये 3 प्रक्रिया आपको सबसे पहले करवानी होगी, उसके बाद ही आपको 12वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें, देश के लगभग 12,000 करोड़ नागरिकों को 12वीं किस्त का पैसा सरकार जारी करने वाली है। मोदी सरकार ने मीडिया के माध्यम से बताया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छोटे से क्लिप के माध्यम से हम आपको इसे बताया गया है कि मोदी सरकार देश के 12 करोड़ नागरिकों को 12वीं किस्त का पैसा जारी करने वाली है। किसान भाइयों, आपको 11वीं किस्त का पैसा मिला है या नहीं मिला है? जिन नागरिकों को 11वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, मोदी सरकार की ओर से आपके बैंक खातों में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसान भाइयों, 11वीं किस्त का पैसा किस वजह से नहीं आया है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको 12वीं किस्त का पैसा कब तक सरकार जारी करने वाली है, इसकी जानकारी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को चेकआउट जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि 12वीं किस्त का पैसा मोदी सरकार आखिरकार कब तक जारी करने वाली है, इसकी जानकारी आपको लिंक के माध्यम से अवश्य मिलेगी। किसान भाइयों, आशा करते हैं आपने सभी जानकारी अच्छी तरह क्लियर कर ली है। फिर भी कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।